हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी चिड़िया सबसे। और मैं उनका नाम क्या रखी हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके का मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और गणेश जी का मूर्ति है, ऐसे में गौतम बुद्ध का। ये देखिए, आप गौतम बुद्ध को तो देख जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं। इनके चेहरे पे आप अगर देखेंगे तो कितना शांति, मतलब एकदम शांति, बहुत शांति दिखता है। मतलब तो ये जो मूर्ति है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो इस तरीके की चीज़ें आप भी अपने घर में रख सकते हैं मोटिवेट रहने के लिए, क्योंकि ये सब काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरीके का मूर्ति। ठीक है। और ये भी मैंने, ये एक ट्रे, मतलब फल रखने के लिए ये लिया था। इसको क्या, फ्रूट्स वगैरह इसमें मैं रखती हूँ। और ये खुला ही है। और अगर आप भी इसमें, क्या है ना कि एक ये है फ़ायदा कि फल को है ना हवा चाहिए होता है, तो इसमें छोटे छोटे से छेद दिख रहे होंगे आपको, जिससे इसको हवा मिलते रहता है फल वगैरह। तो अगर आप इस तरीके का कुछ रखना चाहते हैं घर में अपना, फल वगैरह, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये। और तो ये काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। और अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे है, और मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी इसको ख़रीद सकते हैं। और अमेजोन पे ये मिल जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। और अगर मैं इस तरीके से बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैं कुछ बेच रही हूँ। तो ये देखिए, फल वाला काफ़ी अच्छा टोकरी है। और अब किसी और में चीज़, ये देखिए, इधर मैं काम करती हूँ, सेटअप कर रखा है अपना, इस पर मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरा बुक है जिस पर मैं लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और चलिए, मैं जिससे मिलवाने वाली थी वो तो हुआ ही नहीं, चिड़िया। इसका केयर मैं ही करती हूँ। और इसका केयर मतलब इसको क्या करना होता है, इसका केयर करने के लिए हमें इसको, चिड़िया का एक ये फ़ायदा है कि हमें इसके ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है इसको। मतलब ये, इसको एक बार खाना देने के बाद आप छोड़ सकते हैं। मतलब दिन में इसको मैं 2 बार खाना देती हूँ। और इसका खाना अलग से आता है, मतलब आप वो खरीद सकते हैं बाज़ार से। और भी ये खाने में और भी चीज़ें खाती है, जैसे कि गोभी का पत्ता भी खाती है। और इसको पानी भी देते हैं, पानी एक बार दे देते हैं तो दिन भर चल जाता है। इसका ज़्यादा केयर नहीं करना होता है। आप भी इसको रख सकते हैं अपने घर में, अगर आपको पसंद है चिड़िया सब। तो यही है कि ये गंदा भी नहीं करती है, और एक तो एक्टिव भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा। और इसको आप अपने घर में रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब एक तो सुबह सुबह से ये उठा भी देती है, मतलब आवाज़ बहुत करती हैं। तो बहुत सही। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉगी वगैरह भी पालते हैं, लेकिन डॉगी सब पालने से क्या होता है ना कि उसका केयर करना होता है, उसके पीछे आपको डेली जाना होगा बाहर, उसको पोटी वगैरह कराने के लिए, सुसु वगैरह। अगर घर में कर दिया तो ओपा, तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता होगा। लोग रखते हैं, जिनको पसंद है तो रखते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके की चीज़ पसंद है जो गंदा भी ना करे। तो ये देखिए, मैं चिड़िया भी मैंने रख रखी है। और वो मैं आपको उस गौतम बुद्ध से मिलवाई चुकी हूँ। तो अच्छा, फिर बाय। आप लोग, सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।